बिहार में कोरोना से उपजे हालात दिनों दिन और भयावह हो रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या इतनी हो चली है कि सूबे के तमाम बड़े अस्पतालों में एक अदद बेड तक मिलना दूभर हो गया है। जिस राज्य में संसाधनों की इस कदर कमी है कि जरूरत पर एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हो पा रहा है, उसी राज्य में दूसरे तरफ भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के गाँव में दर्जनों एम्बुलेंस धूल फाक रहे हैं। प्रदेश में चौथरपा स्वास्थ्य संसाधनों की कमी के बीच दर्जनों एम्बुलेंस के इस कदर पड़े रहने को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भाजपा सांसद और एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। माँ ने जब बेटे को, बेटा ने माँ को, पिता ने बेटा को, बेटा ने बाप, पति पत्नी को, गांव ने छोड़ दिया वहां पप्पू। एक महीने हो गए इन मृत लोकतंत्र की मृत और आत्मुग्धि सरकार, लोकतंत्र को मार देने वाली। और ये नेता जो रावण कंस और यजीद से भी ऊपर और जल्लाद लोग बैठे हैं, ये क्या है? सारे एम्बुलेंस को और निकाल दिया गया और कोई विनोद सिंह मुखिया के यहाँ भेज दिया गया, एक चौबे जी है उनके यहाँ भेज दिया गया। ये यहाँ 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया, 60-70 से ज्यादा 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं, हमारे भी भाई हैं, मेरा सवाल वो नहीं है। हम रूढ़ी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर, मैं मुझे लगा किसी और का, रूढ़ी जी का घर नहीं है, लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है? सवाल ना रूढ़ी जी का है और ना पप्पू यादव का, सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? 100-100 एम्बुलेंस जो लोगों के लिए काम कर सकती थी, इसको पटना में लगाते, छपरा में लगाते, सिवान में लगाते, सिवान की जनता को फ्री करते। क्यों 18 रुपया किलोमीटर? क्यों नहीं कोरोना की बीमारियों को फ्री किया गया सरकार के द्वारा? क्यों नहीं कोरोना की दवाई सरकार के द्वारा फ्री देने की बात हुई? कोरोना के समय 5 लाख का बीमा क्यों नहीं? क्यों जब पूरा का पूरा देश और बिहार कोलैप्स हो गया, हर घर में लाश और कफन, फिर बहाली क्यों? मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं और यहां के सिविल सर्जन पे अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे लगने चाहिए कि ये एम्बुलेंस यहां क्यों। मैं जांच का विषय मैं उठाता हूं। सांसद द्वारा हर गांव में नहीं समझ में आता कहां पर एम्बुलेंस है, जब 7,000-12,000 रुपया एक किलोमीटर का एम्बुलेंस माफिया, इंटायर क्रिमिनल और माफिया। ये सांसद के पैसे नहीं है सर, ये जनता का पैसा, एमपी लेट्स जनता का पैसा होता है, सांसद का नहीं होता है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।